हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो है टीवी का कोई भी सिग्नल जो है ट्रांसमिट होता है और फिर उसको रिसीव करके हम जो है मोनोक्रोम टीवी में जो है हम देख पाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा बेसिक मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर। तो बेसिकली सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या ट्रांसमिट करना है। तो टेलीविजन में हमको जो सिग्नल ट्रांसमिट करना होता है वो हमारा होता है वीडियो सिग्नल। तो वीडियो सिग्नल बेसिकली दो सिग्नल से मिलकर के बना होता है। पहला हमारा जो है माइक्रोफोन, पहला हमारा जो है ऑडियो सिग्नल और दूसरा जो है हमारा ग्रुप ऑफ इमेजेस। ओके, तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा साउंड या फिर ऑडियो सिग्नल जो है रिकॉर्ड होता है। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं पॉइंटर की सहायता से आपको दिखा पा रहा हूँ कि जो है हमारा ऑडियो सिग्नल है उसको रिसीव करने के लिए हमें यहाँ पर माइक्रोफोन लगा हुआ है। तो माइक्रोफोन बेसिकली क्या है, एक ट्रांसड्यूसर डिवाइस है जो कि ऑडियो सिग्नल को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है जो मैं यहाँ पर पॉइंटर की सहायता से दिखा पा रहा हूँ, जैसे कि ये जो सेक्शन है ये हमारा कहलाएगा ऑडियो सेक्शन, ठीक है, और ये जो सेक्शन है ये हमारा पूरा जो कहलाएगा ये हमारा कहलाएगा वीडियो सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ऑडियो सेक्शन में मैं बात करता हूँ, तो हमारा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करेगा, ये हमारा अकोस्टिक प्रेशर को सेंस करेगा और हमारा जो ऑडियो सिग्नल है उसको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। फर्दर हमारा यहाँ पर लगा हुआ है ऑडियो एम्पलीफायर, ये लो जो हमारा माइक्रोफोन है वो लो वोल्टेज सिग्नल हमें देता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऑडियो एम्पलीफायर लगा रखा है। फर्दर यहाँ पर आपको दिखाया गया है मॉड्यूलेटिंग एफएम मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर। ये जो एफएम मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर है ये भी एक प्रकार का एम्पलीफायर है। फिर इसके बाद में एफएम साउंड ट्रांसमीटर, इसको ट्रांसमिट करने के लिए। अब आते हैं हम यहाँ पर, बेसिकली हमारा जो ऑडियो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल को हम किस तरीके से भेजना है, ऑडियो सिग्नल हमारा एक वीक सिग्नल होता है, तो इसको भेजने के लिए हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की सहायता लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से हमारा जो वीडियो सिग्नल है, वीडियो सिग्नल को सेंस करने के लिए हमें यूज करना होता है हमारा जो है टीवी कैमरा। टीवी कैमरा भी हमारा एक ट्रांसड्यूसर डिवाइस है जो कि लाइट को सेंस करता है, बेसिकली लाइट को सेंस करता है और ये भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये भी हमारा लो वोल्टेज सिग्नल होता है, तो इसको भी हमें जो है वीडियो एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करना होता है। फर्दर आगे हमारा इसको फिर जो हमारा सिग्नल होता है, वीडियो सिग्नल जो होता है, बेसिकली ये भी हमारा जो है लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, तो इसे भी हमें जो है मॉड्यूलेट करके जो है आगे फर्दर प्रोसीड करना होता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जो वीडियो सिग्नल है इसको, जो कि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, इसको मॉड्यूलेट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक प्रकार होता है VSV, वेस्टिबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन की सहायता से जो है हम इसको मॉड्यूलेट करते हैं। फर्दर अब हमारे पास दोनों सिग्नल जो है मॉड्यूलेट होकर के तैयार है। अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि ये दोनों जो सिग्नल है वो एक साथ जाए, क्योंकि हमें रिसीवर एंड पे भी दोनों जो है ऑडियो और वीडियो सिग्नल है वो हमारा बेसिकली ये एक साथ हमको मिलना चाहिए। तो फर्दर हमें इसको जो है कंबाइनिंग नेटवर्क में देकर के और इसको जो है ट्रांसमीटर एंटीना की सहायता से जो है हम ट्रांसमिट कर देंगे। तो ये हमारा बेसिक मोनोक्रोम टेलीविजन ट्रांसमीटर सिस्टम हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से हमने कोई भी वीडियो, जिसको हमें किस तरीके से हमने जो है वीडियो सिग्नल को यहाँ पर ट्रांसमीटर की सहायता से जो है भेजा है और
ट्रांसमीटर एंटीना, ट्रांसमीटर एंटीना बेसिकली ये भी एक ट्रांसड्यूसर डिवाइस है जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है हमको यहाँ पर, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उसको क्या करेगा, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में जो है कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से हमने जो है हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन को हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से जाना है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारा है कि मोनोक्रोम टीवी रिसीवर क्या काम करेगा। तो बेसिकली हमको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, तो एक एक ब्लॉक डायग्राम को हमको इसको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टीवी रिसीवर एंटीना के बारे में। तो एनवायरनमेंट से सिग्नल को रिसीव करने के लिए यहाँ पर हमने एंटीना का प्रयोग किया जाता है जो कि एक ट्रांसड्यूसर डिवाइस है। ये भी पहले की तरह का ही एंटीना है, ठीक है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आएगी उसको सेंस करेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ट्रांसमीटर एंड से जो सिग्नल ट्रांसमिट किया गया था वो हमारा जो है मॉड्यूलेट करके किया गया था, जो कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज का सिग्नल होता है। अतः रिसीव करने के लिए भी हमको वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज का ही एंटीना की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो एंटीना दिखाया गया है ये हमारा वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो है सूटेबल होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमें यागी उदा एंटीना जो है हम यूज करते हैं। बेसिकली हम सब जानते हैं कि यागी दो एंटीना होता है, इसमें वेरियस जो है तीन पार्ट में ये डिवाइड होता है, जो इसमें होता है रिफ्लेक्टर, फिर ड्राइविंग एलिमेंट और डायरेक्टर। इसके बारे में हम एंटीनास में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में देखिए हमारा जो है एंटीना ने अपना काम कर दिया है, बेसिकली ये सिग्नल जो है हमारा अब प्रोसेस होकर के RF ट्यूनर में जो है आएगा। RF ट्यूनर क्या करता है, इसका प्रयोग और इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, हमारा जो इच्छित चैनल है, जो हमारा डिजायर्ड चैनल है, उसका चुनाव करना होता है। इस भाग में सभी फ्रिक्वेंसी के ट्यूनर होते हैं जिनका कार्य जो है UHF एवं VHF रेंज के सिग्नल का जो है चुनाव करना होता है। फर्दर हमारे पास है कॉमन IF एम्पलीफायर। कॉमन एम्पलीफायर जो है इसमें क्या होता है, मोनोक्रोम, ये देखिए यहाँ पर मैं पॉइंटर की सहायता से दिखा रहा हूँ, इसमें क्या होता है दो या तीन कॉमन IF एम्पलीफायर जो है इसमें लगे होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है ऑडियो एवं वीडियो सिग्नल दोनों को एक साथ जो है एम्पलीफाई करना होता। अब फर्दर हमको यहाँ पर जो है वीडियो डिटेक्टर के बारे में जानना है। तो बेसिकली हम इसको स्लाइड के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा एंटीना है, सबसे पहले एंटीना को और डिटेल में देखते हैं। तो इसका जो है हमें क्या चाहिए कि इसका एंटीना जो है हमारा हाई गेन और जो है इसका हाई बैंडविड्थ के साथ में होना चाहिए और जो कि हाईली डायरेक्टेड होना चाहिए। ट्यूनर के बारे में हमने देखा कि ये हमारा सेलेक्ट किसी भी चैनल को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। कॉमन IF एम्पलीफायर ये क्या करता है कि ये जो दो फ्रिक्वेंसी हमारी ऑडियो और वीडियो दोनों को एक साथ जो है आपका एम्पलीफाई करने का काम करता है। अब बात करते हैं वीडियो डिटेक्टर की। वीडियो डिटेक्टर का सर्किट का जो प्रयोग है ये क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल को दूसरे जो है लो कैरियर फ्रिक्वेंसी में बदलने के लिए किया जाता है। इससे हमें क्या होता है, ओरिजिनल वीडियो फ्रिक्वेंसी जो है हमें प्राप्त होती है। तो देखिए इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा सिग्नल आ रहा है, इस डायग्राम की सहायता से देखिए ये हमारा सिग्नल आ रहा है, इसको हमें इस सर्किट में देना है। तो देखिए ये दो पार्ट में आपका बढ़ जाएगा, यहाँ पर हमको वीडियो सिग्नल मिलेगा और यहाँ पर हमें जो है आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, इंटर कैरियर FM साउंड सिग्नल हमको यहाँ पर जो है ऑब्जर्व होगा। तो इस तरीके से हम इसको आगे जानते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक हमारा जो है सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर के कॉन्सेप्ट का इसमें हमको यूज करना होता है, जिससे कि वीडियो सिग्नल को लो फ्रिक्वेंसी पर लाने के लिए लगभग 4.5 मेगाहर्ट्ज की इंटरमीडिएट सिग्नल का उपयोग किया जाता है और जो डिटेक्टर से प्राप्त हुआ वीडियो सिग्नल का जो भाग है उसको ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर में तथा दूसरे भाग को सिंक्रोनाइजिंग पल्स सेपरेटर सर्किट में इसको लगाया जाता है। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर जो होता है वो क्या होता है, ये एक बेसिकली एक नेगेटिव फीडबैक सर्किट है जो कि ऑटोमेटिक गेन को बढ़ने के पश्चात ये जो है हमारा गेन को वापस से कंट्रोल करता है। अब इसके बाद में है वीडियो आउटपुट एम्पलीफायर। बेसिकली जो हमारा
जो वीडियो डिटेक्टर से हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है, ये जो होता है ये हमारा लो वोल्टेज सिग्नल होता है और हमें इसको देना है पिक्चर ट्यूब में। तो पिक्चर ट्यूब में जो पीक टू पीक वोल्टेज है वो हमारा होना चाहिए 50 से 100 वोल्ट एम्पलीट्यूड के वीडियो सिग्नल की हमें जो है आवश्यकता होती है, जिससे कि अच्छे कॉन्ट्रास्ट की अच्छी पिक्चर उत्पन्न हो सके। लेकिन वीडियो डिटेक्टर से जो मिलने वाला सिग्नल होता है वो कम वोल्टेज का होता है, अप्रोक्सीमेटली आपका जो है 2 वोल्टेज की रेंज का होता है। तो इसके लिए हमें हाई क्वालिटी के वीडियो एम्पलीफायर की आवश्यकता होती है। अब आता है सिंक्रोनाइजिंग सेक्शन। देखिए सिंक्रोनाइजिंग सेक्शन का क्या यूज होता है, सिंक्रोनाइजिंग सेक्शन का ये यूज होता है कि बेसिकली इसका काम होता है हमारा जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पल्स जो है उसको जो है सिंक्रोनाइज करने का, ताकि हमारा जो पिक्चर ट्यूब में जो वीडियो सिग्नल का जो फ्रेम्स हैं, जो इमेजेस हैं, वो आपकी क्लियरली हमारा जो है दिखाई दे। इसके बाद में है इंटर कैरियर सिग्नल इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सेक्शन। आउटपुट ऑफ डिटेक्टर हैज 5 MHz फ्रीक्वेंसी विच इज द रिजल्ट ऑफ हेटरोडाइन बिटवीन VIF एंड SIF। ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑडियो सिग्नल होती है बाय विच हाईली सेलेक्टिव ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी जो है सेपरेट होती है। तो यहाँ पर इसका जो यूज है वो इसको अलग करने के लिए, डीमोडुलेट करने के लिए यहाँ पर इसका जो ऑडियो सेक्शन है उसको रिसीव ऑडियो सेक्शन में जो है इसको अलग करने के लिए यूज किया जाता है इंटरमीडिएट कैरियर फ्रिक्वेंसी। देखिए हमने 2 तरीके के सिग्नल भेजे थे, अब हमको ऑडियो सेक्शन में जो है ऑडियो सेक्शन की बात करनी है, वीडियो सेक्शन में जो है वीडियो सेक्शन की बात करनी है। देखिए हम बेसिकली इस पे जो मेन डायग्राम है उस पे वापस आते हैं और इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो सिग्नल है ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है अब हमारा ऑडियो सेक्शन कहलाएगा और ये जो सेक्शन है ये हमारा वीडियो सेक्शन कहलाएगा। तो हमने वीडियो डिटेक्टर की सहायता से दोनों सिग्नलों को अलग कर लिया है। तो वीडियो डिटेक्टर से 2 आउटपुट आएंगे, आपका ऑडियो आउटपुट और वीडियो आउटपुट। तो ऑडियो जो आउटपुट आएगा तो इसमें क्या होगा, जो ऑडियो आउटपुट आएगा उसको हम इसको प्रोसेस अलग से करना है और वीडियो जो आउटपुट है उसको अलग से प्रोसेस करना है। तो ऑडियो आउटपुट की बात करते हैं, तो ऑडियो आउटपुट में हमको सबसे पहले क्या लगाया हुआ है, साउंड IF एम्पलीफायर, जो हमारा वीडियो डिटेक्टर से जो लो वोल्टेज का जो साउंड सिस्टम हमको मिला है इसको हमको क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। और फर्दर यहाँ पर क्या दिखाया गया है, FM डीमोडुलेटर। तो FM डीमोडुलेटर के लिए हमको क्या चाहिएगा, IF एम्पलीफायर इंटरमीडिएट कैरियर फ्रिक्वेंसी चाहिएगी, जिससे कि हमें इसको अलग कर सके। ठीक है, तो इसके पश्चात हमको क्या करना है, इस जो हमारा सिग्नल है उसको FM डीमोडुलेटर में देना है। डीमोडुलेटर के पश्चात जो हमें ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल जो कि हमने ट्रांसमीटर सेक्शन में देखा था, जो है माइक्रोफोन से हमने रिसीव किया था, उसमें हमको चाहिए वही सिग्नल जो है हमको यहाँ पे प्राप्त होगा जो कि लो वोल्टेज सिग्नल होगा अगेन। तो इसके लिए हमने ऑडियो एम्पलीफायर लगाया है और फर्दर उसको सुनने के लिए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, हमारा जो मेन सिग्नल था वो साउंड था, यहाँ पर अभी हमारा जो सिग्नल है वो हमारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है तो इसको वापस से साउंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, लाउड स्पीकर का जो है यूज करना होगा। और लाउड स्पीकर क्या करेगा, हमारा जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है हमारा साउंड सिस्टम में जो है साउंड सिग्नल है उसमें हमारा कन्वर्ट कर देगा। अब बात करते हैं वीडियो सिग्नल के बारे में, वीडियो सिग्नल को किस तरीके से प्रोसेस करना है। वीडियो सिग्नल से जो हमारा वीडियो डिटेक्टर से जो आउटपुट आएगा वो हमारा वीडियो एम्पलीफायर में आएगा, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। भाई वीडियो एम्पलीफायर की क्यों जरूरत है, वीडियो एम्पलीफायर की इसलिए जरूरत है कि भाई हमारी जो पिक्चर ट्यूब है वो हमारा हाई वोल्टेज इसमें इनपुट आना चाहिए, क्योंकि ये 50 से 100 वोल्ट का जो है सिग्नल को जो है सेंस करती है और हमारा वीडियो डिटेक्टर से जो आउटपुट प्राप्त होता है वो 2 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर वीडियो एम्पलीफायर लगा है। सिंक्रोनाइजिंग सर्किट का यूज क्या है, बेसिकली सिंक्रोनाइजिंग सर्किट का यहाँ पर यह है यूज है कि जो हमारे सिग्नल्स हैं वो हमारे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है परफेक्टली हमारे सिंक्रोनाइज हो। ठीक है, अब इसके बारे में आते हैं पिक्चर ट्यूब पे। पिक्चर ट्यूब क्या है बेसिकली, इसके बारे में पिक्चर ट्यूब हमारा ये वह आउटपुट डिस्प्ले है, इस एक तरीके से हमारा पूरे सिस्टम का आउटपुट डिस्प्ले है। इसका डायग्राम हम इस तरीके से देखते हैं कि जो भी हमारा इनपुट आएगा वो यहाँ से आएगा और इस तरीके से प्रोसेस होकर के और
हमारे ये ग्रिड्स लगे हुए हैं जो कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा और ये फॉरवर्ड होते हुए इलेक्ट्रॉन फोकसित होते हुए ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ग्रिड लगे हुए हैं और इनको प्रोसेस होते हुए आपका जो है आउटपुट यहाँ पर हमें जो इमेज है वो हमको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो है वीडियो सिग्नल जो है आपके पिक्चर ट्यूब पर जो है आपका डिस्प्ले होगा। तो हमने फाइनली हमने ये कंक्लूड किया कि दोनों सिग्नल जो है ऑडियो और वीडियो, ऑडियो सिग्नल किससे मिलेगा हमको, हमारा लाउड स्पीकर से मिलेगा, और वीडियो सिग्नल किससे मिलेगा हमको, हमारे पिक्चर ट्यूब से जो है मिलेगा। फर्दर ये बात की हमने मोनोक्रोम सिस्टम की। अब लास्ट में हम ब्रीफली जो है कलर टीवी सिस्टम के लिए देख लेते हैं। तो बेसिकली ये भी इसी तरीके का एक सिस्टम है, बस इसमें हमारा जो डिफरेंस होगा, देखिए ऑडियो सेक्शन है वो हमारा बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही है, यहाँ पर सेम है, ऑडियो सेक्शन के लिए कोई चेंजेस नहीं है, बट जो वीडियो सेक्शन है उसके लिए हमारा यहाँ पर स्लाइटली चेंजेस रहेगा। वो किस तरीके से रहेगा कि इसमें हमारा क्रोमा सिस्टम रहेगा, क्योंकि हमारा जो कलर जो सिग्नल होता है वो तीन पार्ट से, तीन रंगों से बेसिकली हमारा मिलकर बना होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो उसके लिए यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है क्रोमा सब सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। बेसिकली देखिए यहाँ पर वीडियो डिटेक्टर, इसके पश्चात वीडियो एम्पलीफायर सेम जो कि हमारा मोनोक्रोम सिस्टम में था, तो वैसा का वैसा ही यहाँ पर लगा हुआ है, बट इसको अलग से सिंक्रोनाइज करने के लिए हमारा क्रोमा सिग्नल फिल्टर लगा हुआ है जो कि अलग अलग कलर्स में इसको डिवाइड करके, और यहाँ पर जो पिक्चर ट्यूब है वो भी आपकी डिफरेंट होगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जानेंगे कि कौन कौन सी कलर्स पिक्चर ट्यूब्स होती है। तो यहाँ पर हमको इस तरीके से ये जो है कलर टीवी का रिसीवर हमको यहाँ पर दिखाया गया है। थैंक यू।